हिंदुओं का कुछ जा रहा है, लड़ तो सीख ही रहे हैं, कोई दसम ग्रंथ को लेकर लड़ रहा है, कोई किसी चीज को लड़ रहा है, आपस में फूट डल रही है, आपस में लड़ रहे हो, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, हमारा क्या जा रहा है, हम तो बैठे हुए हैं। देखो हमारे गुरु साहब ने कितनी अच्छी वाणी है, आपके धर्म के लिए कितना अच्छा बोला है, हर धर्म के लिए कितना अच्छा बोला है, लेकिन तुम नफरत फैलाने वाले कभी ये बात नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लड़ाई करवानी है अपने ही पंथ में, तुम्हें जुलूस निकलवाना है अपने पंथ में। तुम लोगों ने आज क्या फैशन बना लिया है कि हम लोग विचार करेंगे लेकिन बंद कमरे में नहीं करेंगे, हम पांच प्यारे लेके विचार नहीं करेंगे, हमारे पीछे 100 बंदा हमारे पीछे हो, 100 बंदा किसी के पीछे हो, फिर हम कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे के साथ भैंसेंगे। अब SJG पढ़ के अब क्या है, मैं पहले दिन तो कुछ दिन तो कंफ्यूज हुआ, मैं कहा WMK पता नहीं क्या, मैंने कहा गाली है कोई कि है क्या ये। अच्छा बाद में मेरे को पता लगा कि अच्छा वाहेगुरु मेहर करे, ओ शॉर्टकट अपनाने वालों थोड़ी अकल कर लो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारो, अगर अज सिख कौम वाल नज़र मार के वेखी जाए तो कौम दे विच इन्ने की पाड़ पाए हुए ने कि उन्होंने पूरना बहुत औखा लगता है। बेशक समा रहिंदिआं ये पाड़ जरूर पूरे जाणगे, क्योंकि जिन्नी मर्जी कोई ढा लाण की कोशिश कर लवे इस कौम नूं, ये उन्हां सिंघां दी कौम है, उस कलगी धर दी कौम है जिस दा कदे कोई वाल वी विंगा नहीं कर सकता। पर एक चीज़ के उत्ते दुख जरूर हुंदा है कि असी हौली हौली अपने संस्कार भुलते जा रहे हैं, अपनियां रीतां अपने रिवाज भुलते जा रहे हैं, इत्थे तक कि परमात्मा का नाम लैण लग्गिआं किसी नूं सत्कार नाल बुलाण लग्गिआं भी असी अजकल शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करन लग पए हैं। मैसेज दे विच वी किसी नूं अगर असी सत श्री अकाल कहना होवे तां SSA लिख दिंदे हां, वाहेगुरु मेहर करे नूं WMK लिख दिंदे हां। बेशक ये गल्लां तुहाडे वास्ते इन्ना मैटर नहीं करदियां होणगियां, पर एक हिंदू वीर नूं जदों अजिहे मैसेज पहुँचण लगे तां उस नूं बहुत बुरा लग्गिया। क्यों बुरा लग्गिया? उस नूं आखिर इन्हां शब्दां नूं पूरे तरह नाल लिखण दे विच अते पूरे तरह नाल बोलण दे विच की फर्क है, की सकून मिलता है, ते की लोकां तक संगत तक चंगा सुनेहा जांदा है, अते क्यों कौम दे विच दसम दी बाणी नूं लै के पाड़ पए होए ने, क्यों आपस विच कौम लड़ रही है, मर रही है, आखिर क्यों एक कमरे विच बह के किसी भी समस्या का समाधान नहीं कढ़िया जा रहा, आखिर क्यों जग दे सामने अच सिख कौम आप तमाशा बन रही है, अपना चक्का चक के अपने आप नूं नीलाम कर रही है। अजिहे कुछ सवाल दागे ने सिख कौम उत्ते इस हिंदू वीर विशाल नाथ ने। तो WMK और सबको SSG, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह, जय माता दी, आप सभी को सत श्री अकाल। ओ मेरे शॉर्टकट वाले भाइयों, आज क्या बनाई जा रहे हो, कहाँ कौन से रास्ते निकल रहे हो? आज मेरे को मैसेज आता है, लिखते हैं जी WMK मतलब वाहेगुरु मेहर करे, इसका तुमने क्या बना दिया WMK करे, है ना, वाहेगुरु WMK करे, है ना, सत श्री अकाल। जब हम सत श्री अकाल बोलते हैं वो अकाल पुरख को याद करते हैं, उसको SSG। ओ भाई थोड़ी अकल कर लो, ठीक है। एक तो ये अपनी टर्बन जो है इस पे भी आता हूँ आज मैं, जब तुम लिखोगे ना वाहेगुरु मेहर करे, तो मैं पढ़ूंगा कि श्री वाहेगुरु जी मेहर करे, चार बंदे और पढ़ेंगे कि श्री वाहेगुरु जी मेहर करे, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये एक अरदास हो जाएगी, तो ये मिलके हम अरदास करेंगे। जब हम लिखते हैं ना श्री वाहेगुरु जी मेहर करें, तो जब जो लिखता है तो उसके मन में आता है, जो पढ़ता है उसके मन में आता है। अब क्या है WMK, क्या व्हाट्स मीन यार, क्या है ये WMK? जब हम पढ़ें सत श्री अकाल, है ना, कि वो अकाल ही सत्य है। अब SJG पढ़ के अब क्या है, मैं पहले दिन तो कुछ दिन तो कंफ्यूज हुआ, मैं कहा WMK पता नहीं क्या, मैंने कहा गाली है कोई कि है क्या ये। अच्छा बाद में मेरे को पता लगा कि अच्छा वाहेगुरु मेहर करे, ओ शॉर्टकट अपनाने वालों थोड़ी अकल कर लो, ठीक है। आज के बाद ये WMK लिखना बंद करो,
हेलो लिख लो। क्यों, टर्बन तो बोल ही चुके हो, अंग्रेजों की दीवी जो है। नाइस टर्बन। आज तुम लोगों को पग बोलते हुए शर्म आती है, दुमाला बोलते हुए कहीं ना कहीं शर्म आती है। आज मैं देखता हूँ, जा रहे हो? हाय ब्रो, नाइस टर्बन। या थैंक्स ब्रो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस ब्रो? कोई जवाब दोगे तुम लोग इस चीज का? अच्छा एक और चीज, आज जो ये ब्रह्म ज्ञानी बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर आकर, जब ये गुरबाणी का प्रचार करते हैं तो नीचे माँ बहन की गालियां लिखी आती है ना, सब पे नहीं, ऑलमोस्ट जो ये गलत थोड़ा प्रचार करते हैं या किंतु परंतु वाली जो वीडियोस होती है ना, उन पे माँ बहन की गालियां लिखकर आती है। वो माँ बहन की गालियां किसकी है? जब हम घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करवाते हैं तो एक अरदास होती है, सबके मन में एक अच्छी भावना होती है, तो वो सब गुरु साहब जी को समर्पित होती है। तो आज ये गालियों का जवाब देगा कि जो ये फेसबुकिया जो प्रचार हो रहा है, ये फेसबुकिया प्रचार, इसमें जो गालियां हैं ये गालियां किसकी है, ये गालियां किसको समर्पित हो रही है? ये बेअदबियां करनी छोड़ दो, समझे? ये अंग्रेजों की दी हुई पग जो है ना, ये अंग्रेजों ने दी हुई है, ये पग नहीं, दुमाले सजाओ, है ना। दुमाला जब सजाते हैं, दुमाले में शस्त्र रखे जाते हैं, दुमाले की अपनी ही एक है, जो अपनी ही एक पहचान है। सब भूली जा रहे हो, अंग्रेज बनी जा रहे हो। अब ये मेरे पीछे लाइट जल रही है, ये समझ लो चक्कर है। जब तुम्हारे नाटकों में दिखाते हैं ना कि भगवान आया, उसके पीछे जो है रोशनी है, इसको ये समझ लो। पखंडों की तरफ भागी जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बोलना पता क्या चाहिए? जो भगवान की निंदा करने वालों, श्री राम की निंदा करने वालों, हमारा कुछ नहीं जाएगा, ना श्री राम का कुछ जाएगा। चलो तुम्हारा भला हो रहा है, श्री राम का नाम ले रहे हो। अगर तुम्हें प्रचार करना होता ना तो तुम ऐसे प्रचार करते, तुम बोलते कि 10 सनातन धर्म में लिखा है कि 10 जन्मों के बाद एक गुरु की प्राप्ति होती है। तो हम सिख कितने खुश नसीब है कि हमें एक ही जन्म में 10 गुरुओं की प्राप्ति हो गई। अगर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है धरती के ऊपर, तो उन्होंने भी गुरु धारण किए हैं, तो हम सिख कितने खुशनसीब हैं कि हमारे को पैदा होते ही सतगुरु मिल जाते हैं। गुरु नहीं, सतगुरु मिल जाते हैं। पहले गुरु होते हैं, फिर सतगुरु होते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई तत्व नहीं है। ये नहीं कि सिखों के गुरु है, गुरु सबके गुरु है, हम हिंदुओं के भी गुरु हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। अलग अलग गुरु हैं, गुरु तो एक तत्व है। अगर गुरु समझदार है तो बृहस्पति की तरह पूजा करो, और गुरु अगर चलाक और कपटी है तो शुक्राचार्य की तरह पूजा करो। लेकिन गुरु निंदा करना और गुरु निंदा करवाना महापाप बोला गया है। अपने पूरे, हमारे बोले जाते कि अपने पूरे जो है ना, तुम लोग पाप कर्मों को नष्ट कर देते हो जब गुरु निंदा करते हो या सुनते हो। अब कुछ चमन चिंदिये बोलेंगे, पंडितों से ज्ञान, बेवकूफ हो, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, समझे? और मेरे को धर्म का ज्ञान है, धर्म के ज्ञान होने से कोई पंडित नहीं बन जाता, समझे? अगर धर्म के ज्ञान वाले पंडित है तो अब मैं क्या बोलूँ? सबसे ज़्यादा ज्ञान तो आज नहंग सिंह को है। मैं सच में बोलता हूँ कि मैं नहंग सिंह को इतनी कदर करता हूँ, क्योंकि इनकी ज़ुबान के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। जब मैं किसी नहंग सिंह से बात करता हूँ ना, तो 5 मिनट के अंदर वो इतना सब कुछ समझा देते हैं मेरे को कि जो मैंने सोचा भी ना हो। तो ये नफरत का प्रचार कर रहे हो, अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या ये बेअदबी नहीं है? और मैं आज गर्व से बोलता हूं कि आज जितने भी सिख भाई है, ठीक है, जो श्री राम के लिए, ठीक है, प्रचार कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन हम हिंदू, हमने एक वीडियो नहीं डाला है कभी गुरु साहब की जो है गुस्ताखी के लिए। उनकी गुस्ताखी मतलब कि क्या बोलते हो, एक तो मैं भी ये मुगलों की भाषा बोलने लग गया कि कहीं पर भी हमने किंतु परंतु का एक वर्ड नहीं डाला, एक वर्ड नहीं लिखते, हम एक वीडियो नहीं डालते, समझे? क्योंकि हम आदर सम्मान करते हैं। फिर बोलूँगा, अगर हम सदगुरुओं का सम्मान करते हैं और सदगुरुओं ने अगर हमारे धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ लिखा है, तो उसका भी सम्मान करो, ना कि किंतु परंतु करो। हमारा क्या जा रहा है, आपस में लड़ी जा रहे हो तुम लोग?
हिंदुओं का कुछ जा रहा है, लड़ तो सिख ही रहे हैं, कोई दसम ग्रंथ को लेके लड़ रहा है, कोई किसी चीज को लड़ रहा है, आपस में फूट डल रही है, आपस में लड़ रहे हो, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, हमारा क्या जा रहा है, हम तो बैठे हुए हैं, अपना ही बेड़ा गर्क, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हो, आज तुम खुद ही विरोधी बन रहे हो, और कहां तुम हमारी जो है हमारे को बुरा बोलना चले थे, ये सिर्फ उनके लिए है जो वीडियो बना रहे हैं, है ना, सब सिखों के लिए नहीं है, सिखों के लिए भी नहीं है, ये बेवकूफों के लिए है, ये सिख नहीं है, बेवकूफ है जो खुद तो गालियां खाते ही हैं, और उस जिसे बोलते हैं कि जहां पर सब अरदास करते हैं आज वहां पर भी जो है गालियां, कितना बुरा लगता है कि एक बंदा गुरबानी का प्रचार कर रहा है और नीचे माँ बहन की गालियां आ रही है, तुम लोगों को बुरा नहीं लगता क्या, क्या ये निंदा नहीं है क्या, लेकिन तुम लोग WMK लिखो, आज तुम लोगों को शर्म आती है जब तुम लोग मेरे को हाय हेलो लिख के भेजते हो और मैं आगे से जो है फतेह बुलाता हूं, भाई कब तक चलेगा ये, क्या कुछ कर रहे हो आप लोग, कितना समझाऊं कितना बोलूं, कड़वी लगती है, फिर बोलते हैं इस हम मेरी बात में मत आ जाना, मैं RSS का हूं, हाँ मैं RSS का हूं, चलो मैंने कभी RSS देखा ही नहीं, मैंने उनका कोई बयान ही नहीं देखा, पता नहीं उनके नाम की चिंखे मारते रहो, मेरी बला से 10 गालियां निकाल लो, ठीक है, अगर RSS वाले गलत बोल रहे सालों को मारो कुट्टो जो मर्जी करो, मेरे को क्या लेना देना, मैं तो भगवान का भगत हूं समझे, और भगत होना कोई छोटी बात नहीं है, मैं गुरु साहब का भगत हूं, तो तुम लोग जो गलत कर रहे हो मुझे उस पे ऊपर गुस्सा आता है, उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये WMK ये लिखना बंद करो और गुरबानी का प्रचार करना है जी सदके करो, ठीक है, हमें भी बुलाओ, हम सबको बुलाओ, ऐसी मुहिम चलाओ कि आप गुरबानी का प्रचार कर रहे हैं तो आप बोलो कि सारे हिंदू सिख सब मुसलमान ईसाई सब आओ, गुरु साहब की वाणी सुनो, देखो हमारे गुरु साहब ने कितनी अच्छी वाणी है, आपके धर्म के लिए कितना अच्छा बोला है, हर धर्म के लिए कितना अच्छा बोला है, लेकिन तुम नफरत फैलाने वाले कभी ये बात नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें लड़ाई करवानी है अपने ही पंथ में, तुम्हें जुलूस निकलवाना है अपने ही पंथ में, तुम लोगों ने आज क्या फैशन बना लिया है कि हम लोग विचार करेंगे लेकिन बंद कमरे में नहीं करेंगे, हम पांच प्यारे लेके विचार नहीं करेंगे, हमारे पीछे 100 बंदा हमारे पीछे हो, 100 बंदा किसी के पीछे हो, फिर हम कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे के साथ भैंसेंगे, और आज हम पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, जहां लॉकडाउन के टाइम पे जहां ये विदेश भी देखता है तुम्हारी वीडियो, है ना, विदेशी भी देखते हैं, कि जहां पे आज विदेशी देखेंगे कि हम जिस खालसा को जानते थे वो खालसा भारत में कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता है, अकल कर लो, शर्म कर लो, कड़वी लगी वो बातें तो बोल दो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जहां जहां ये वीडियो डलेगी मैं सुन देखूंगा तुम्हारे कमेंट, इंग्लिश में कर देना थोड़े से कमेंट भाई, पंजाबी मेरे को समझ नहीं आती ना बोलनी आती है, है ना, मेरी बातों में मत आना क्योंकि मैंने सच बोल दिया, सच बहुत कड़वा है, चलो छोटा सा वीडियो एक बनाया है, तुम्हारे को क्या समझ आता है तो देखता हूं, समझदार हो, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय माता दी। गुरु प्यारे अंतता एक ही गल कहना चाहेंगे, विशाल नाथ हमेशा अपने दिल दिया गल्ला संगत दे नाल सांझियां करता है, ओ गल्ला जो उसनू तंग करदियां ने, परेशान करदियां ने, जो उसनू दर्द पहुंचांदियां ने, क्योंकि यह वीर बेशक हिंदू है पर दिलों यह सिख कौम की इज्जत करता है, दिलों यह सिख कौम नाल जुड़िया होया है, बीते दिन एक निहंग सिंह जथेबंदी नू इस वीर ने दो घोड़े भी भेंटा कीते सी, उतों ही तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि जो हिंदू वीर अपनियां जमीरां जागदियां रखते ने, उन्होंने पता है कि हिंदू सिख भाईचारा की है, उन्होंने पता है कि सिख कौम ने तिलक जंजू की रक्षा वास्ते की कीता, की कुर्बानियां दित्तियां, ते यह सानू भी याद रखना चाहिदा है कि कुछ कोझियां चाला चलण वाले कट्टरवादियों की सोच के अधीन आके असी सारे के सारे हिंदू भाईचारे नूं निशाने ते नहीं लै सकते, पर हाँ जिहड़ी कट्टरवादी सोच घट गिणतियां नूं निशाना बनाती है, भगवें करण के एजेंडे हेठ हर किसी नूं नचाण की कोशिश करती है या नचाती है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।